तारण आश्रम का ब्लॉग बना दिया था। नारा आश्रम सबसे पहले तो आप लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं हूँ सरला नबियाल, आप लोग का फिर से वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो मैं आप लोग को ले चलती हूँ आज चौदास वैली, जहाँ 12 साल में एक बार कांगड़ा महोत्सव मनाया जाता है। हमारी रंग जनजाति में 3 वैली हैं, दारमा वैली, ब्यास वैली और चौदास वैली, जिसमें चौदास वैली में कांगड़ाली महोत्सव मनाया जाता है। अक्टूबर के महीने में कांगड़ाली एक प्रकार का पौधा होता है जो कि 12 साल बाद खिलता है। इस पौधे को नष्ट करना होता है। नष्ट करने के बाद सब रंग जनजाति के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर इस त्यौहार को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे बहुत सी मान्यताएँ हैं, बट आज मैं अपने ब्लॉग में इतना ही मेंशन करना चाहती हूँ। और यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई है। पहाड़ों का रास्ता तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल नीचे धस गए यार। और अभी हम लोग कंजोति पहुँच चुके हैं। हम लोग दार्जिला से निकले थे 10 बजे और हम लोग कंजोति पहुँचे 11:30 बजे। तो अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं। तो मैं आप लोग को कंजोति का व्यू दिखाती हूँ। और इस जगह का नाम है थानीदार। यहाँ से हमें पांगो गांव पहुँचने में 20 मिनट लगेंगे। और हम लोग पांगो गांव पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट से पहुँचे हैं आज पांगो गांव, क्योंकि हम लोग घर से ही काफ़ी लेट से निकले। तो यहाँ भी हम लोग लेट से पहुँचे, क्योंकि आज के दिन ही पांगो में कांगड़ाली महोत्सव मनाया जा रहा है। कांगड़ाली को दमन करने वाले लोग पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और कांगड़ाली महोत्सव में खाने की पूरी व्यवस्था की हुई है। तो हम लोग अभी खाना वाना खा रहे हैं। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो हम लोग को खाना नहीं मिलेगा ना। अभी सुबह के 10 बजने जा रहे हैं और हम लोग पांगू में हैं। तो कल मैंने अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं रखा,
क्योंकि कल कंगनाली महोत्सव सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग काफ़ी बिजी रह गए, इससे मैंने अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं रखा। तो मैं आज का अपना वीडियो जारी रख रही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं नारा आश्रम, और पांगू का मौसम काफ़ी सुहावना है। यहाँ से पूरा पांगू गांव दिखाई तो नहीं देता है, बस थोड़ा बहुत दिखाई देता है। सुबह मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ पांगू गांव। हम लोग नारा आश्रम जाने के लिए कार में बैठ गए हैं। हाय 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 बोलो जी, तो कहाँ जा रहे तुम लोग? नारा आश्रम। और हम लोग पहुँच चुके हैं नारा आश्रम। राहुल कैसा लगा? अच्छा लगा। और यहाँ का मौसम कैसा है? मौसम बहुत ठंडा है यहाँ का, काफी ठंडा है ना पांगू से? हाँ, काफी ज्यादा है यहाँ का। और यहाँ का लोकेशन? लोकेशन तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा है। वैसे इससे पहले मैंने नारायण आश्रम का ब्लॉग बना दिया था, जब शुरू में मैं वीडियो बना रही थी यूट्यूब के लिए, तब मैं यहाँ पे आई थी और मैंने यहाँ का वीडियो बना लिया। तो हम लोगों ने सोचा चलो पांगू घूमने आए हैं तो नारा आश्रम भी घूम ही लेते हैं, क्योंकि पांगू से नारा आश्रम काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो मैं आज हल्का फुल्का ब्लॉग बना रही हूँ नारा आश्रम का। देखो इनका हाल देखो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुन्नी कुटी की तरफ। हर्षद को ज़्यादा मज़ा आ रहा है? हाँ, मामू के साथ खेलने में। अरे काव्या की बारी आ गई अब। और ये गेस्ट हाउस PWD वालों का है, और इस गेस्ट हाउस की डिस्टेंस नारायण आश्रम से 700 मीटर की दायरे पे होगी। थोड़ा सा घूमने के बाद हम लोग नारा आश्रम के व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। और व्यू पॉइंट पर घूमने के बाद थोड़ा बहुत अब मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, तो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अभी तो काफ़ी लोग पहुंचे हैं नारा आश्रम, तो इसके बाद हम लोग सीधे खाना वाना खाएंगे, फिर हम लोग दार्चला के निकल जाएंगे अभी, क्योंकि आज ही हमको दार्चला पहुंचना है। और अभी दिन के 2:30 बजने जा रहे हैं हम लोग नारा आश्रम घूम के आके, उसके बाद हम लोगों ने पांगू में खाना वाना खा लिया। तो अब हम लोग यहाँ से सीधे दार्चला के लिए निकल रहे हैं अभी। बाय बाय पांगू। बाय पांगू। और यहाँ पे कटिंग का काम चल रहा है, अभी रोड ब्लॉक है,
लगता है, पता नहीं कितना टाइम लगता है रोड खुलने में, वरना यहाँ से धारचूला कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद रोड खुला, उसके बाद हम लोग पहुँचे धारचूला रात के 7:30 बज के आसपास। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, जल्दी आप लोग से अपने न्यू ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। और आप लोग जॉर्ज भी वाले ब्लॉग में मुझे काफ़ी प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार हमेशा देते रहिए, प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।